आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन के कुछ जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? चलिए जी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, ये दोनों का डिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश कीजिए 5 मिनट ये इजी क्वेश्चन होना चाहिए।
आया कुछ आंसर? यस सर, यस सर, आया आंसर। वेरी गुड, क्या आया आंसर बताइए। चैट में भेजे, चैट में भेजे, मैं आंसर लिख देता हूँ। सेम आंसर आया तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिलेटिवली इजी है, और अगर डिफरेंट आया तो फिर देखते हैं सॉल्व करके। ये रहा आपका तीनों एबीसी का आंसर। यस सर, ये है। हाँ सर, ये आया। हाँ सर, ये आया। यस, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, नहीं सर। वेरी गुड, पक्का? यस सर। एक ये क्वेश्चन देखो, जरा देखो, मतलब इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी तो कोलिजन ओलिजन पढ़ा ही दिया हूँ आप लोगों को मैं, तो वर्क पावर एनर्जी और कोलिजन मिला के ये एक अच्छा क्वेश्चन है। दिख रहा है सबको? यस सर, कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? बोलो आवाज आ रही है? हाँ सर, नहीं आया। नहीं, ये इजी क्वेश्चन है, आएगा बेटा। 1/9 है। कितना? 1/9 मीटर्स। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। यस सर। है ना, देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये होना चाहिए था। ध्यान से समझो, इसमें कुछ ऐसा है कि इस बी को लिफ्ट ऑफ होना है, यही है ना? हाँ सर। लिफ्ट ऑफ तब होगा जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन तो ये एम बी इंटू जी के बराबर होगा। yes, जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन इतना होगा तो उठेगा। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन इतना होगा, इसका मतलब है कि उस मोमेंट पर फाइनली ए, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, तो अभी ए एच नीचे आएगा और एच नीचे आएगा और नेचुरल लेंथ से फिर एक्स ऊपर जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, इसके बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेज होगा उस स्टेज पर क्या होगा कि बी नीचे है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है और ए यहां पर है, यही कहानी होगी। yes, हाँ, इसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग कुछ एक्सटेंडेड लेंथ पर है और ए ऊपर गया है, अब ये बी हमारा ऊपर से लिफ्ट ऑफ होगा, यही कहानी होगी। एंड पोजीशन में ए और बी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच से डिक्रीज हुई है। yes. मैं सिचुएशन वन और सिचुएशन टू की बात कर रहा हूं। तो सिचुएशन वन और सिचुएशन टू में ए और बी दोनों की एनर्जी एम जी एच से डिक्रीज हुई है। यस सर। यस सर। और इस मोमेंट पर ए के पास कुछ वेलोसिटी नीचे की ओर होगा। यस सर। है ना, पक्का? यस सर। अब इसके बाद स्प्रिंग जब अपने तो ब्लॉक के नीचे जाएगा और कंप्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा नेचुरल लेंथ पर और उसके बाद फिर ऊपर की ओर वेलोसिटी होगी, फिर एक्स लेंथ ऊपर जाएगा, तब जाके बी ऊपर उठना शुरू होगा, यही है? यस सर। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और कुछ नहीं, कोशिश कर सकते हो। जैसे थर्ड केस में अभी केवल स्प्रिंग के पास हाफ के एक्स स्क्वायर होगा और एक अगर जीरो वेलोसिटी के साथ भी है तो बी तो ऊपर उठने से मतलब है ना मुझे? Yes. है ना, तो देखो
चलो पोजीशन ध्यान से सब सुन। पोजीशन वन और टू को कंपेयर करते हैं तो बी का पोटेंशियल एनर्जी mgh डिक्रीज हुआ, बी का पोटेंशियल इतना डिक्रीज हुआ। यस यस। और ए का पोटेंशियल भी mgh डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो थर्ड में पहले तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ। यस। बी का पोटेंशियल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। नहीं। और ए का पोटेंशियल अभी सेकेंड वाले पोजीशन पर जितना था उससे x इंक्रीज हुआ। यस यस। ए का पोटेंशियल तो ए के पोटेंशियल में मेरा एम ए जी एक्स का इंक्रीमेंट हुआ, यही कहानी है ना। और अगर x का वैल्यू एम बी जी बाई के बराबर है तो मुझे h ढूंढना है, यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। यस है ना, कोशिश कर सकते हो। खुद से कर दो, ये छोटा क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए। सेकेंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन के बीच अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो क्या मिलेगा? एम ए जी एक्स, ए का पोटेंशियल इंक्रीज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल इंक्रीज, ये कहां से आएगा? एम ए प्लस एम बी इंटू जी एच, हाफ एम ए इंटू वी स्क्वायर से आएगा। इस मोमेंट पर, सेकेंड के मोमेंट पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वी है उसी से आएगा ना बेटा। नहीं, बोलो, ये इक्वेशन समझ आया कि नहीं? हाँ सर, ऐसा है वो। सबको समझ आया ये इक्वेशन? गलती दूसरे इक्वेशन में होगी। सब लोग कान खोल के ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ यही चेक करने के लिए मैंने ये इक्वेशन दिया था। सब सुनो, हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? सिचुएशन वन और टू के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं सर। क्या सकते? क्यों नहीं लगा सकते? इनार्को 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 इनार्को।
क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाएगा. वेरी गुड. तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो. तो मैं बी का पोटेंशियल लॉस, बी का काइनेटिक गेन ये सब तो नहीं लगा सकता क्योंकि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है. एच हाइट नीचे आने के बाद बी के पास जो भी वेलोसिटी हुई उसको जस्ट आफ्टर कोलिजन जीरो होना है. यस. लेकिन केवल ए का मैं देखूं, ध्यान से सुनना सब लोग, केवल ए के लिए मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या एम ए जी एस इज इक्वल टू हाफ एम ए वी स्क्वायर. ए के लिए तो लिख ही सकता हूं ना. यस. ये पार्ट मुझे समझाना है कि मैं कंबाइंड सिस्टम ए बी ग्राउंड में एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकता, ये फैक्ट है. बट इनइलास्टिक कोलिजन तो बी और ग्राउंड के बीच में है, ए का उससे कोई लेना देना नहीं है. बीच में मासलेस स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, तो ए का बी के मोशन से कोई लेना देना नहीं है जस्ट आफ्टर कोलिजन तक. तो ए में तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, ये पार्ट मुझे सिखाना है. आई बात समझ में? यस सर. यस सर. सो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एम ए टिल जस्ट बिफोर कोलिजन. ये बात समझ में आया? आया ना? तो अब यहां पर हाफ एम ए वी स्क्वायर की जगह एम ए जी एस पुट कर दो, आ गया आंसर. एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, केवल वैल्यू ही डालना है. समझे सब लोग? यस सर. तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर बता दीजिए. बी के मास और एक्स की वैल्यू एम बी जी. आई बात समझ में? एक्स यहाँ पर कितना होना चाहिए? तो एम बी इंटू जी अपॉन के. क्लियर है? जल्दी सॉल्व करके मुझे जल्दी आंसर बताओ. क्या एक ढूंढना है ना? जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ. मुझे जस्ट याद आ रहा है कि एक सिमिलर क्वेश्चन है इरोडोव में, अगर वो मिल गया तो मैं एक बार चाहता हूँ कि वो कराए दो सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट का, ताकि एक ही बार में आपको याद रहे. प्रॉब्लम क्या, वो नंबर मुझे क्वेश्चन के याद नहीं रहते. हाँ, उसका क्वेश्चन का आंसर याद है मुझे, बट वो क्वेश्चन नंबर कौन सा वो मुझे ढूंढना पड़ेगा. देखता हूँ, दो मिनट का टाइम मिल जाएगा. सिमिलर डायग्राम है ऐसा ही.
2 meter. Yes sir, 2 meter. आया सबको, एक सेकंड का टाइम दो, मैं वो बुक वो ढूंढ रहा हूँ मुझे का वो बुक है मिल गया। यस सर। सॉरी हमें जो क्वेश्चन ढूंढ रहा था वो मिल गया, दे रहा एक बार इसको क्वेश्चन। अभी जो बताया ना क्वेश्चन सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट से है, तो जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर के साथ मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कॉपी करो। हाँ इसमें 2 meter सबको आ गया आंसर? नो सर। नहीं आया? सर आ गया। अभी नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तुम लोग को आता होगा, मुझे नहीं आता। एक ये क्वेश्चन देखो, हीरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.153 है, सिमिलर कॉन्सेप्ट जो अभी किया उसी पे बेस्ड है। सर एक बार क्वेश्चन दिखाया ना, प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन देखेगा? हाँ सर एक सेकंड के लिए। क्यों सर ये आया नहीं ना सर, तो एक बार वैल्यूज चेक करके वापस से ट्राई करता। लिखता नहीं है तुम लोग क्वेश्चन? लिखते हैं बट यस सर डन हो गया। हाँ सर तो कोशिश करो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मार्क्स आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब थोड़ा बहुत से जिसमें जितनी जरूरत है उतना सेंटर ऑफ मार्क्स तो आपको आता ही, उससे ज्यादा ही आता है। कोशिश करो इसको, हीरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.153 है।
कुछ आया आंसर? नहीं सर, आपने ऑलरेडी दो स्टार मार रखा है, मतलब बहुत हार्ड है सब। जी भाई क्या है क्या आंसर? सर 3 mg बाइक है, डेल्टा एल का वैल्यू। दो लोगों ने तो 3 mg बाइक के लिख के भेजा है, आंसर में देखता हूँ, मुझे याद नहीं कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 1.153। हाँ, एक आंसर है 3 mg बाइक के, एक आंसर है 3 mg बाइक के। एक आंसर इज डेल्टा एल शुड बी ग्रेटर देन 3 mg बाय के। के की जगह वो ऐसा स्टिफनेस का सिंबल है, तो वही समझ गए इसकी बात। यह है एक आंसर। बी सॉल्व कीजिए।
बोलो आया आंसर किसी को बी का? ठीक है, जिसका तब तक नहीं हुआ ये देखो, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ मास सेम लिंक टुगेदर बाय कंप्रेस्ड द क्यूब्स आर आल्सो कनेक्टेड बाय थ्रेड एट व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा एल दैट इज द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग द लोअर क्यूब विल बाउंस आफ्टर द थ्रेड हैज बीन बर्न थ्रू। तो देखो लोअर ब्लॉक जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था ठीक वैसे ही लोअर ब्लॉक तो तभी बाउंस करेगा जब इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन x mg by k के बराबर होगा। हाँ या ना? बोलो। यस सर। इसका मतलब है इस स्मॉल m को अपनी जगह से डेल्टा l प्लस x ऊपर जाना है। है ना? बोलो क्या सर? इसका मतलब है स्मॉल m को ये जो अपर ब्लॉक है a इसको अपनी जगह से अभी तो डेल्टा l कंप्रेस्ड है ना और बाद में सॉरी गलत लिख दिया डेल्टा l प्लस x नहीं होगा बाद में इसको एक्सटेंड होना है। हाँ सही तो लिखा था। तो अभी जितना कंप्रेस्ड है अभी जितना कंप्रेस्ड है और इसको नेचुरल लेंथ से x और ऊपर जाना है। यस सर। स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ के बराबर इलोंगेशन होगा तो डेल्टा l और उससे x और ज्यादा होगा तो डेल्टा l प्लस x। तो ये अपनी जगह से कितना ऊपर जाएगा जितना पहले लिखा था मैंने डेल्टा एल प्लस एक्स ऊपर जाएगा। हाँ या ना? बोलना यार कुछ तो बोलो। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो ब्लॉक ए अपनी जगह से डेल्टा एल प्लस एक्स ऊपर जाएगा जहां की एक्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एम जी बाई के है तभी जाकर ब्लॉक बी लिफ्ट अप होगा। आया ना? तो इन दोनों सिनेरियो के बीच एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। अभी हमारे पास है हाफ के x दैट इज डेल्टा l का स्क्वायर है ना उस मोमेंट पर कितना होगा तो mg डेल्टा l प्लस x प्लस हाफ के x स्क्वायर। प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यस यस। ये लाइन समझ आया एनर्जी कंजर्वेशन इन दोनों सिनेरियो के बीच का? यस सर। और एक्स है मेरा एम जी बाई के बराबर। Yes, sir. नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूँ। एक्स है मेरा एम जी बाई के बराबर। एक्स का वैल्यू बाद में पुट करते हैं ये डेल्टा एल में क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हाफ के को हटा दीजिएगा तो डेल्टा एल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम जी बाई के डेल्टा एल प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा होगा। तो ये हो गया मेरा डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस टू एम जी बाई के इंटू डेल्टा एल माइनस टू एम जी बाई के इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ होगा। दिस इज इक्वल टू जीरो, या यहाँ माइनस कर दे तो यहाँ प्लस लिख दे ऐसा कुछ। और x का वैल्यू ऊपर हम लोग देख चुके हैं एम जी बाई के बराबर है, तो x का ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया डेल्टा एल स्क्वायर माइनस टू एम जी बाई के इंटू डेल्टा एल, x की जगह एम जी बाई के कर दोगे तो 2 इंटू एम जी बाई के का स्क्वायर प्लस एम जी बाई के का स्क्वायर, तो 3 टाइम्स एम जी बाई के का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा सर। ठीक है सर। हाँ बोलो बोलो। सेकंड स्टेप में ही अगर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेंगे और फिर कैंसिल कर देंगे तो कैसे कैंसिल कैसे करोगे? नहीं डेल्टा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर डेल्टा एल प्लस एक्स इनटू डेल्टा एल माइनस एक्स कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही सही बोला तुमने, इनफैक्ट ये ज्यादा अच्छा तरीका बोला इसने। अग्रीड। किसने बताया बेटा? सर अमन रंजन। अमन मजा आ गया मुझे, बिल्कुल सही कहा इसने, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, सही कहा इसने, मजा आ गया मुझे, सही बोला, मैं इतनी मेहनत नहीं करता। वेरी गुड। हाँ इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेल्टा एल प्लस एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं डेल्टा एल माइनस एक्स इंटू डेल्टा एल प्लस एक्स इज इक्वल टू टू एम जी बाई के इंटू डेल्टा एल प्लस एक्स, तो डेल्टा एल नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए ये वाला अगर हम हटा भी देंगे तो कोई मेरा लॉस नहीं हुआ, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो गया टू एम जी बाई के प्लस एक्स, एंड फॉर ब्लॉक बी टू लिफ्ट अप एक्स शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एम जी बाई के, मुझे डेल्टा एल शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 3mg by k। ये हो गया एक आंसर। कोई डाउट किसी को ए में, किसी को कोई डाउट है? नो सर। बी का किसी को आंसर आया? नो सर। बी नहीं आया, चलो बताया तुम। अब बी में कहता है कि डेल्टा एल 7mg by k है, सब लोग ध्यान से देखो, अगर लिख के किए रहे होते अच्छे से तो यहीं पर फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एल 7mg by k है, तो ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, हाफ के डेल्टा एल की जगह 7mg by k इज इक्वल टू mg डेल्टा एल प्लस एक्स कर देंगे तो 8mg by k प्लस हाफ के mg by k का होल स्क्वायर। साथ ही साथ जब हमारा डेल्टा एल का वैल्यू 3mg by k है, उस मोमेंट पर अपर ब्लॉक ए की वेलोसिटी जीरो है। अब जब
थ्री एम जी बाई के से ज्यादा है 7 mg/k, तो अब अपर ब्लॉक ए की कुछ वेलोसिटी भी तो होगी। यस सर। तो ये वाला टर्म आ जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर। यस सर। आएगा तो तुम लोग सॉल्व करो, मैंने जल्दी से मुझे वी ए का वैल्यू बता दो। ये इक्वेशन लिखो, वैल्यू पुट करो, वी ए का वैल्यू बता दो। बहुत सिंपल है, दिख रहा है यहाँ से, इसमें कहीं कोई क्वाड्रेटिक या कोई कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। क्या मिला वी ए बताइए? 4g√2m/k। कितना? 4g√2m/k। अंडर रूट 2m/k ऐसा? हाँ सर। सबको यही आया क्या? देख लो एक बार, कंफर्म करो। यस सर, 32 mg/k। सबको ये जी बाहर ऐसा? यस। ठीक, अब देखो इस मोमेंट पर क्या होगा, सब लोग ध्यान से सुनना। इस मोमेंट पर ए के पास इतनी वेलोसिटी है वी ए जो आपने कैलकुलेट किया, बी के पास इस मोमेंट पर जीरो वेलोसिटी है। यस सर। Yes, sir. और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से mg/k इलॉन्गेटेड है। यस सर। यस सर।
तो सेंटर ऑफ मास यही पूछा ना, सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही बात है। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से कितना ऊपर जाएगा यही पूछा है? यस सर। तो पहले जो सिनेरियो था जहां पर 7 mg/kg कंप्रेस था, वहां से तो अपर ब्लॉक 8 mg/kg ऊपर है। यस सर। मतलब टिल यहां तक तो मेरा सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी 4 mg/kg ऊपर आ चुका है इस मोमेंट पर। यस सर। क्वेश्चन वाले मोमेंट पर और इस मोमेंट पर सेंटर ऑफ मास 4 mg/kg ऊपर आ चुका है। यस सर। सब लोग कंफर्म हो इस बात पे? यस यस। अब यहाँ पर ए के पास वेलोसिटी है, बी ग्राउंड को छोड़ चुका है, तो सेंटर ऑफ मास और ऊपर जाएगा। यस सर। तो यहाँ के बाद जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना? तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यू एस स्पीड से है तो वो कितना ऊपर जाता है? यू एस स्क्वायर बाई 2g। यस स्क्वायर बाई 2g। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर यू मैं यू सेंटर ऑफ मास कर लूंगा। यस। तो B की वेलोसिटी 0 है और A की वेलोसिटी VA के बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VA by 2 हो जाएगी। यस हो जाएगी। यस। तो VA square by 2 upon 2g, बताओ कितना आएगा? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर। सर बोलो कितना आ रहा है? सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, आप और एक बार बता सकते हैं? तो 4 mg/kg आ रहा है। तो वो बायोप्सी आएगा 4 mg/kg, तो टोटल 8 mg/kg हो जाएगा। 8 mg/kg हो जाएगा। 4 mg/kg ऊपर जा चुका है और इस मोमेंट पर यहाँ से 4 mg/kg और ऊपर जाएगा, तो टोटल सेंटर ऑफ मास कितना राइज किया? 8 mg/kg। 8 mg/kg है ना? यस यस। एंड टोटल मैक्सिमम राइज इन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम is equal to 8 mg/kg। क्लियर है सबको? यस। इसको कॉपी कर लो। बोलो बेटा कौन बोल रही थी, नहीं समझ आया कहाँ पे बताओ? सर मुझे वो COM is equal to 4 mg/kg वो वाला नहीं समझ रहा। क्वेश्चन के का जहाँ सिनेरियो है वहां पर स्प्रिंग 7 mg/kg कंप्रेस्ड है, हाँ या ना? यस सर। ब्लॉक बी जिस मोमेंट पर ग्राउंड से लिफ्ट हो रहा है उस मोमेंट पर स्प्रिंग mg/kg एक्सटेंडेड है? यस सर। मतलब अपर ब्लॉक अपनी जगह से 8 mg/kg ऊपर गया है? यस सर। और लोअर ब्लॉक कहीं नहीं गया है टिल दैट मोमेंट? यस सर। अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक दोनों का मास सेम है? यस सर। तो अपर ब्लॉक का अपनी जगह से 8 mg/kg ऊपर जाने से सेंटर ऑफ मास 4 mg/kg ऊपर गया? यस सर। तो वही बोला मैं। ओके सर आया।
आगे बढ़ू, आया सबको समझ में? बोलो सबको समझ आया, आगे बढ़ू? यस सर। एक और क्वेश्चन करो, सिंपल वर्क पावर एनर्जी का है, आगे बढ़े, लिख लिया सबने? एक और क्वेश्चन करो, फोर होगा। इसको कोशिश कीजिए,
आगे आंसर सबको फाइव एम जी बाय एट है क्या? सबको आया होगा ये आंसर? सबको आया आंसर या बताने की जरूरत है? यस सर आया। नहीं सर नहीं आया। नहीं आया। ठीक है, जिसको नहीं आया वो देखो, इस मोमेंट पर ये जो भी वाटर है, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखोगे अभी, तो ये a बाई टू है, तो a बाई टू का आधा ऊपर से a बाई फोर होगा। बोलो, इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट ऊपर से a बाई फोर होगी कि नहीं? यस सर। ग्राउंड से थ्री a बाई फोर। तो ग्राउंड से थ्री a बाई फोर, तो इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा mg mg into 3a by 4 होगा ऐसा? होगा ऐसा? अब यही वाला पानी जब यहां पे सेटल हो जाएगा तो यही इतना ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ कितना हाइट चाहिए इसको? कितना? ए बाई फोर। नहीं, यहाँ पर तो वॉल्यूम इसका कितना है? ये वी बाई फोर वॉल्यूम है ये, तो इसमें इसकी हाइट कितनी होगी? अरे चौड़ाई भी तो बेस का भर गया, तो अब हाइट ए अच्छा सॉरी, हाँ पहले हाइट कितनी थी? पहले हाइट थी ए बाई टू। यस सर। तो यहाँ पर इस मोमेंट पर वॉल्यूम कितना हो गया? ए बाई फोर। ए बाई ऊपर का हो गया ए बाई टू, सर ए बाई टू इंटू ए इंटू ए बाई टू, ऐसा हो गया? यस सर। यस सर। तो पहले वॉल्यूम था ए क्यूब बाई फोर, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब बाई फोर है। यस सर। अब अगर ये हाइट एच है तो दिस ए क्यूब बाई फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एच, तो एच की वैल्यू ए बाई फोर। हाँ वेरी गुड, सेंटर ऑफ मास ए बाई फोर, हाइट की वैल्यू ए बाई फोर हो गई, तो इसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से ए बाई एट पर होगा। हाँ सर, इसका आंसर 5 mg ए बाई एट आ जाता है। यानी कि अब पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg इनटू ए बाई एट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वही वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ। होगा ना? यस सर। सो एम जी ए कॉमन थ्री बाई फोर माइनस वन बाई एट है ना, तो ये हो गया फाइव एम जी ए बाई एट। सिंपल सा है ये। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। एक और ये क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है, ये सबसे होना चाहिए।
ये कोशिश करो।
सो बोलो कुछ आंसर आया सो 7/16 m root gl r 7/16 m root gl यस करेक्ट वेरी गुड किसने बताया सो अमन अग्रवाल वेरी गुड बाकी लोगों के लिए आंसर है 7m/16 अंडर रूट gl बाकी लोग बोलो एकदम सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा कुछ नहीं है इसमें हाँ सर यस सर यही आ रहा है यही आ रहा है यस बताने की जरूरत है इसको या आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर बता दो एक बार प्लीज देखो ये टेबल पर चेन ऐसा है पहले ठीक है इसको रिलीज किया तो कितना एल बाई एट नीचे आया तो अब स्टोरी ऐसे हो गई ऐसा कि इस मोमेंट पर क्या होगा ये वाला पोर्शन रेस्ट पर होगा एल बाई एट यस और ये जो पोर्शन बच गया कितना 7l/8 ये पोर्शन वी स्पीड से नीचे आ रहा होगा इस मोमेंट पर जो भी स्पीड भी होगी तो टोटल चेन का मास m है इसका मतलब है इतने पोर्शन का मास 7m/8 होगा यस सर तो 7m/8 इंटू वी ये हमारा आंसर होगा यस सर है ना यस सर और अगर अपनी जगह से एल बाई एट नीचे आया है तो वी क्या होगा अंडर रूट टू जी एच होगा तो अंडर रूट टू जी और एच की जगह एल बाई एट यस सर तो बस एक लाइन का काम है 7m/16 अंडर रूट जी एल ओके सर आगे बढ़े यस सर एक और क्वेश्चन देखो
इसको कोशिश करो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये भी। कुछ आंसर सर एक मिनट सर एक मिनट पार क्या होगा रेजिस्टिव फोर्स इनटू वेलोसिटी यही होगा ना और लिखा है पार कांस्टेंट है और कोच का मास इंजन इंजन का मास कोच के मास का डबल है तो कोच का मास एम मान लो अगर तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 एम इंटू 20 इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेट तो के टाइम एम जी इंटू 20 यही होगा ना yes, sir. दूसरे केस में 12 कोचेज हैं तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा यस सो 14 एम इंटू वी वन अच्छा के टाइम्स एम जी नहीं टोटल 2 एम जी सॉरी टोटल मास है 6 ना यस सर और सर पावर तो सर सिर्फ उस पे लगेगा ना 2 एम होगा ना सर उस तरफ क्या सर इंजन की वेलोसिटी है ना सिर्फ सर हाँ तो इंजन जिस वेलोसिटी से जाएगा कोच उसी स्पीड से जाएगा ना कोच और इंजन अलग अलग स्पीड से थोड़े ना जाएंगे तो पूरे कोच का ही लगेगा सर नहीं अरे साथ में आएगा ना हाँ सर तो कोच और इंजन का साथ में आएगा ना हाँ तो साथ में आएगा तो 4m कोच का मास हो गया और 2m इंजन का मास हो गया तो टोटल 16m हो गया
हाँ सर हाँ सर। अच्छा एक मिनट, ये वी क्या लिख दिया मैंने? पार इज इक्वल टू वेलोसिटी, एक सेकंड एक सेकंड। तो पहले केस में पार पी है, मतलब हमेशा पार पी है, तो एक इक्वेशन ये हो गया है ना। दूसरे केस में यही इक्वेशन मेरा हो जाएगा, पी इज इक्वल टू के इंटू 14 mg इंटू जो भी वी वन पूछना है वो। तीसरे केस में P इज इक्वल टू 6 कोचेज है, तो 6 प्लस 2 8, तो K इंटू 8 mg इंटू वी टू। तो यही वी वन वी टू निकालना है, डिवाइड करते चलो, दो मिनट का काम है। फर्स्ट सेकेंड को डिवाइड किया तो वी वन मिल गया, yes. और फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड किया तो वी टू मिल गया, yes. Yes. एकदम सिंपल कहानी है। मैंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी बहुत कम जब क्वेश्चन में यूज होता है, तो कहीं भूल ना जाओ इसके लिए, अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें। तो बी वन हो जाएगा 120/14 शायद, तो 60/7 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ होगा वी वन का आंसर। यस सर। और वी टू का कितना होगा? तो 20 × 6 = 120 और इधर 8 = 120, 15 मीटर पर सेकेंड शायद। हाँ सर। वी टू 15 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट।